वडोदरा शहर पुलिस विभाग द्वारा पुलिस जवानों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हरनी पुलिस स्टेशन में आज नए फिटनेस सेंटर यानी कि जिम्नेशियम का लोकार्पण किया गया, जहां पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह के हाथों ये जिम्नेशियम का उद्घाटन करते हुए स्पर्धा का भी आयोजन किया गया था। वडोदरा पुलिस विभाग द्वारा पुलिस जवानों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नया अभिगम अपनाया गया है, जिसमें 24 घंटे मानसिक तनाव के बीच अपनी ड्यूटी को अदा करते वैसे पुलिस जवानों के स्वास्थ्य की चिंता को ध्यान में रखते हुए वडोदरा शहर पुलिस विभाग द्वारा फिटनेस सेंटर का निर्माण करने के साथ आज लोकार्पण किया गया। जाहिर सी बात है कि वडोदरा शहर में बढ़ रहे गुनाह के प्रमाण के बीच कायदा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वडोदरा शहर पुलिस विभाग की कामगिरी काफी श्रेष्ठ और अहम मानी जाती है, जिसमें अपनी ड्यूटी के दौरान कई बार पुलिस जवान मानसिक तनाव और परेशानी का भी शिकार बनते हैं, जिसकी सीधी असर उनके स्वास्थ्य पर रहती है। तो वहीं पुलिस जवानों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वे भी प्रफुल्लित चित से अपनी फर्ज अदा करने के साथ शहरी लोगों के लिए श्रेष्ठ कामगिरी पूरी कर सके वैसे आशय के साथ वडोदरा शहर पुलिस विभाग द्वारा फिटनेस सेंटर का निर्माण किया गया है। वडोदरा शहर पुलिस विभाग द्वारा नया अभिगम अपनाने के साथ पुलिस जवान और उनके परिवार की चिंता को ध्यान में रखते हुए और वे लोग भी तनाव मुक्त माहौल में अपने फर्ज अदा कर सके वैसे आशय से हरनी पुलिस स्टेशन में फिटनेस सेंटर का निर्माण किया गया। वडोदरा पुलिस स्टेशन के हर एक कॉमोडिटी धारित और उच्च BMI आंक धारित वैसे पुलिस कर्मचारियों की अलग से सूची तैयार करने के साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए डाइटिशियन द्वारा कंसल्टेंट करने के साथ डाइट प्लान तैयार किया गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए नियमित फर्ज में भोजन लेने के लिए भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। पुलिस कर्मचारी डाइटिशियन के संपर्क में रहने के साथ भोजन संबंधित संतुलन बनाए रखेंगे, साथ ही जिम्नेशियम में भी ट्रेनर के जरिए विविध कसरत के साथ अपने स्वास्थ्य को भी कसीला बना सकेंगे। जहां आज हरनी पुलिस स्टेशन में नव निर्माण किए गए वैसे फिटनेस सेंटर यानी कि जिम का वडोदरा पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह के हाथों लोकार्पण एवं उद्घाटन किया गया था, साथ ही वॉलीबॉल टूर्नामेंट का भी उद्घाटन किया गया। तो वहीं हरनी पुलिस स्टेशन में नए अभिगम के साथ नागरिक सुविधा केंद्र का भी आज लोकार्पण किया गया था, जिसमें पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह ने बताया था कि आने वाले दिनों में हर एक पुलिस स्टेशन में इस प्रकार के फिटनेस सेंटर यानी कि जिम्नेशियम का निर्माण किया जाए वैसे आयोजन बनाए गए हैं। आज हरनी पुलिस स्टेशन खाते जिमना उद्घाटन करवामां आव्यो छे। आप सब जाणो छो कि पुलिस की नौकरी बहुत टेन्शन भरेली होय छे अने एने टाइम पण मळतो नथी अने पुलिस स्टेशन में घणी वक्त एने रातने पण रोकावानुं होय छे, बंदोबस्तना रातने रोकावता होय छे अने सवारे पण वहेली सवारे आवी जता होय छे। तो आ टेन्शन मुक्त थवा माटे जिम ની સુવિધા આપવામાં આવી છે, જેથી કરીને એ સમયસર એક્સરસાઇઝ કરી શકે, ફરજ ઉપર રહીને પણ એક્સરસાઇઝ કરી શકે અને જે એક્સરસાઇઝ કરશે તો એને ટેન્શન પણ ઓછી થશે અને એની સેહત સારી રહેશે, તંદુરસ્તી સારી રહેશે અને પોલીસની જવાનોની તંદુરસ્તી સારી રહેશે તો એ પબ્લિકની સેવા અસરકારક રીતે કરી શકશે અને પબ્લિક સાથેના બિહેવિયર પણ બહુ પોઝિટિવ રહેશે। तो आ एक शुभ आशय थी अमे जिम नी शुरुआत शुरू करी छे अने जिम जे छे दरेक पुलिस स्टेशन में अमे उभा करशू, शुरुआत करशू कि दरेक पुलिस स्टेशन में एक जिम जे छे शुरू करवामां आवशे। हाँ, आजे वॉलीबॉल ना गेम नी पण शुरुआत करी छे, तो ए रीते अमारा दरेक गेम नी डिविजन वाइज टीमो बनावीने अने रमत गमतना आयोजन करवामां आवशे। तो आ रमत गमत पण अमारी एक फरज ने असरकारक बनावी शके ए रीते छे के रमत गमत थी टीम स्पिरिट वधे छे अने रमत गमत थी तंदुरस्ती पण वधे छे अने जवानो तंदुरस्त रहेशे, पुलिस तंदुरस्त रहेशे तो ए पब्लिक नी सारी रीते सेवा करी शकशे।